गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। आज मैं बना रही हूँ सूजी से जल्दी बनने वाला, झटपट से बनने वाला स्वीट। और अभी तो ऐसे फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, तो आप इसको कोई भी फेस्टिवल में जल्दी से बना सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है, और इसमें जितना सूजी लिया है उसका डबल हम पानी लेंगे। जो कटोरी से हमने नापा था उसी कटोरी से हमें लेना है चीनी भी और दूध भी। यहाँ पर जो है मैंने दूध दो कटोरी डाल दे रही हूँ। ये पहले बॉईल किया हुआ था और इससे ना मैं मलाई निकाल रखी थी। आप चाहे तो कोई भी दूध ले सकते हैं आपके पास जो अवेलेबल है। और यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा एक चम्मच करीब रिफाइन तेल डाल रही हूँ। आपके पास घी है तो घी भी ऐड कर सकते हैं। और दूध को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गुनगुना ही रखना है। और आप देख सकते हैं तेल को मैं अच्छे से मिला ले रही हूँ और दूध जो है अच्छे से गर्म हो गया है गुनगुना। अब हम इसमें एक बाउल सूजी डाल देंगे। ये ऐसे पतली वाली सूजी है, अगर मोटी वाली है तो एक बार ग्राइंड कर लें। और इसको हम अभी चलाते रहेंगे, सूजी डालने के बाद जो है इसको चलाते रहना है, बिल्कुल रुकना नहीं है। नहीं तो क्या होता है, जो और गांठ सा हो जाता है ना, टाइट टाइट सा हो जाता है, सही से नहीं मिलाएंगे तो अभी हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। और आप देख सकते हैं चलाते चलाते ये गाढ़ा हो रहा है अपने आप ही। और ये रहा, आप देख सकते हैं हो गया है, हलवा के साइड में आ गया है। और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इधर हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी में ये कटोरी जो है इससे डेढ़ कटोरी चीनी ले रही हूँ और दो कटोरी पानी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना मीठा पसंद हो उतना अपने हिसाब से कर ले। और यहाँ पर जो है मैं चाशनी को बॉयल होने के लिए रख दे रही हूँ और इसमें दो कटोरी पानी डाला है। और इधर चाशनी चढ़ा दिया है और ये जो है इधर ठंडा हो गया है डो सूजी का। इसमें मैं थोड़ा सा एक चम्मच करीब तेल डाल रखी हूँ और इसको जो है अभी हम एकदम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसका थोड़ा गुनगुने में इसको अच्छे से मिला लेंगे और एकदम छोटे छोटे से बॉल्स जैसे बना लेंगे। आपको जिस हिसाब से जैसे पसंद है सेप ऐसे कर लीजिए। और यहाँ पर जो है मैं अच्छे से मिला ले रही हूँ। आप देख सकते हैं हाथ में बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, ये अच्छे से तैयार हो गया है डो। और ये रहा चाशनी भी तैयार हो गया है। चाशनी को मैंने ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं किया है, पतला ही रखा है। और इसमें नींबू कटा हुआ रख दिया था ताकि किनारे जम जाता है ना, ऐसे ना हो करके आधा कम से कम नींबू लिया था। अब रस भी निचोड़ सकते हैं या तो ऐसे काट के मिला सकते हैं। बीज को भी मैं पहले ही निकाल ली थी। चाशनी भी तैयार हो गया है, कम आँच में इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर जो है मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये रहा आप देख सकते हैं छोटे छोटे बना लिया है मैंने, तैयार कर लिया है। राउंड शेप करते हुए बस हाथों से थोड़ा सा चपटा कर दिया है, आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और तेल को ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, हल्का गुनगुना में ही डालना है, ज़्यादा ठंडा में भी नहीं करना है, फट जाएगा। थोड़ा बहुत गुनगुना में ही आपको करना है और डालते साथ चलाना नहीं है। आप कुछ देर रुकिए और अपने हिसाब से जो है ये ऊपर तैर के आ जाएंगे, तब आप इसको पलटा सकते हैं। यहाँ पर मैं जितना हो रहा है उतना मैं पहले फ्राई कर ले रही हूँ, जितना मैंने बना लिया है उतना, ज़्यादा भी नहीं भरना है स्पेस इसका, जो फूलने का है वो अच्छे से हो, इस वजह से इतना ज़्यादा भी नहीं करना है। यहाँ पर मैं ये छोड़ दे रही हूँ और किनारे थोड़ा बहुत चिपक गया था उसको मैं थोड़ा सा हल्का हल्का हिला के बीच में कर दे रही हूँ। और ये रहा आप देख सकते हैं अपने आप ही ऊपर तैर के आ गया है। और इसको अभी मैं धीरे धीरे फलटा रही हूँ। मैं ऐसे पहले तो डर रही थी कहीं ख़राब ना हो करके, लेकिन ऐसे सही से बना था। और ये रहा कुछ कुछ तो ऐसे फटे हुए दिख रहे हैं हल्का सा, लेकिन ऐसे सही बना था। और ये रहा हल्का ब्राउन होने तक, सुनहरा कलर होने तक मैंने फ्राई कर लिया है। अभी हम इसको जो है गरम गरम ही चाशनी में डाल देंगे। चाशनी को जब भी आप डालेंगे फ्राई किया हुआ तो थोड़ा बहुत गुनगुना होना चाहिए चाशनी, एक साथ नहीं निकालना हो रहा है। पहले ये थोड़ा बहुत निकाल लूँगी फिर और एक बार में कर लूँगी। मेरा देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। आप चाहे तो इससे ज़्यादा डार्क कलर भी कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैंने चाशनी में फूड कलर डाल दिया था, आपको जो कलर पसंद है वो डाल लें। लेमन कलर भी होता है और ऑरेंज रेड भी
मैंने ऑरेंज रेड रेड वाला डाल दिया था फूड कलर, या तो कोई भी एसेंस है तो वो भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, मेरे पास नहीं था। और ये आप देख सकते हैं 5 या 10 मिनट ही मैंने डाल दिया था, इतना में ही जो है ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, अंदर से जूसी लग रहा है। और यहाँ पर मैं आप सब लोगों को गार्निश करके दिखाती हूँ, मतलब निकालने में भी डर सा लग रहा था, कुछ कुछ तो ऐसे ख़राब हो रहे थे निकालते निकालते चम्मच से जब लग रहा था। आप चाहे तो इसको और भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है पहले निकाल लिया है, फिर उसमें थोड़ा सा चाशनी डाल दिया है और मैंने बादाम से गार्निश कर दिया है। अब चाहे आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं उससे आप गार्निश कर सकते हैं। ये रहा देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है। और आप सब लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स, मिलते हैं आज ऐसे वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय।